सर ये सिर्फ भेरा रेस्टोरेंट में लगाई है। हरियाली भी देखो कितनी है, लेजेंड वाली हरियाली नहीं समझना। ये हानी लंबे चार पाई पे लेटे हुए हैं और बिल्कुल थाईलैंड वाली फीलिंग ले रहे हैं, सस्ते में पानी के शोर महसूस हो रहा है ना, ये सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और सुनाओ सब ठीक? कराची से कश्मीर की जो सीरीज चल रही है उसमें एपिसोड 3 है ये, आपको दिली खुशामदीद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद फिर आगे वीडियो देखें, ऐसे भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो टूर कंपनी वाले हैं उन्होंने कोई कोस्टर करवाई है, वो यहाँ पे अभी आएगी तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार करना बहुत बुरी चीज़ है, और यकीन मानो अभी बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, 24 घंटे होने वाले हैं। अभी 10 बज रहे हैं, कल 10 बजे से जागा हुआ तो फिर से रात का सफ़र है। अंधेरे में दिख नहीं रही है, ये कोस्टर है, साफ़ सुथरी, ऑटोमेटिक ऑटो डोर है, इसमें बैठेंगे। यार गाड़ी में बैठ गया हूँ, और गाड़ी वैसे देखी जाए ना तो बहुत साफ़ सुथरी और बड़ी है, सीटें इसकी देखें, नई गाड़ी लग रही है, नरम सीटें हैं तो बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ से पकड़ने का नीचे मैंने बैग भी रख दिया अपना, तो रात को लैपटॉप वगैरह यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी ईजी है, फुल कोई नो टेंशन, घूमना है इन्जॉय करना है। रात के 2 बज रहे हैं और सफ़र कल जो से जो शुरू किया था ना 24 से 28 घंटे हो गए और अभी तक सफ़र में ही हूँ मैं। ये पंजाब का कोई बस स्टेशन है जो लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में, तो यहाँ पे 30 मिनट का स्टे है। ये देखें मसाजर रखा हुआ है, ये क्या रेट है इसका सर? 5 मिनट का 100, 10 मिनट्स 200, 30 मिनट्स का 500। रिलैक्स करती है और आपकी थकावट दूर हो जाएगी, ज़ीरो हेल्थ केयर के नाम से है। यार इसको ट्राई करते हैं। शूज़ डाल? नहीं, शूज़ पहन। दो मिनट वेट। वाकई बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छी चीज़ है। आपको पंजाब के बस स्टेशन में मिल सकता, बस स्टॉप पे मिल सकता है। सर ये सिर्फ भेरा रेस्टोरेंट में लगाई है हमने, हर जगह नहीं है ना ये? नहीं, हर जगह पे नहीं है, बाकी हर जगह अवेलेबल। आपको शॉपिंग मॉल लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। जी सर, बाहर मुल्क में होता है? जी सर। यकीन करो कि मसाज करा के ना बहुत सुकून मिल गया, बहुत ही जो है प्रो नेक्स्ट लेवल की मशीन थी, बिल्कुल सुकून में आ गया हूँ। थोड़ा सा टांगे वांगे जो है ना उसने सही दबाया है, और पीठ पीठ पे बिल्कुल ऐसा सही मसाज किया है। 5 मिनट का 100 रुपया, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अच्छा, ये मसाज जो है मैंने कहीं नहीं देखा, तो ये फर्स्ट टाइम बस स्टॉप पे लगाया। और अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, मैकडोनल्ड्स भी है सामने, सेल्ट एंड पेपर भी है। ये देखें कितना जदीद और इंग्लिश लेवल का जो है इन्होंने बस स्टॉप को बनाया हुआ है, देख के ही जो है वो मज़ा ही आ रहा है। ये सिंध में आपको नहीं मिलेगा, सिंध में बलूचिस्तान में तो आपको पता है वॉशरूम भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यार अब मसला ये है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, और 28 घंटे मैंने आपको बताया ना सफ़र में ही हूँ, और सुबह भी ये होटल नहीं करवाएंगे, सुबह भी जो है कहीं घुमाएंगे। अब कंपनी के थ्रू है तो फिर आपको पता है वो फिर अपने हिसाब से ले चलते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और थकावट इतनी ज़्यादा है, फिर भी जो ट्रेवल का जुनून है ख़त्म नहीं हुआ। अब हमें हो गए हैं कितने घंटे, 30 घंटे हो गए हैं जागते हुए, सफ़र करते हुए। अभी 4 या 4.5 घंटे के बाद हम मुजफ़्फ़राबाद में होंगे, अभी इस्लामाबाद में। हाँ, तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके हैं। यहाँ कोई यासिन रेस्टोरेंट है,
ये कश्मीर रोड पे है मरी में, मरी की पहाड़ियाँ हैं ये सामने। सुकून ऐसा है कि आप परिंदों की आवाज़ जो है ना कानों में बिल्कुल महसूस हो रही है। शायद आपको कैमरे की माइक के आवाज़ को कैच कर सके तो आपको आवाज़ आएगी। यहाँ से व्यू चेक करें, असल जो पैसे हैं ना इस व्यू के। यासीन होटल पे नाश्ता कर रहे हैं और ये गर्म गर्म पराठे हमारे लिए गर्म। सब अंदर नाश्ते के लिए बैठ गए हैं लेकिन मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि मुझसे अंदर बैठा नहीं जा रहा, ठंड लग रही है और धूप में ही बस जो है वो खड़ा हुआ जा रहा है। यहाँ पे ठंड है इस टाइम पे, तो यही मज़ा होता है कि जून में ही जो है आपको ठंड का एहसास हो। जैसे ही नाश्ता लगेगा फिर जाके बैठूँगा। नाश्ता आ चुका है हमारे पास, नाश्ते में हमारे पास पराठे, ये अंडा और चने, उसका टेस्ट आपको पता ही होगा, उसको खाते हैं पहले फिर आप बताओ। यार ये नाश्ता ना कंपनी वालों की तरफ से था लेकिन सही बताऊँ बिल्कुल फारिग नाश्ता था। पराठे भी सही नहीं पके हुए थे, कच्चे थे थोड़े से, और अंडा भी जो है ना वो मज़े का नहीं बना हुआ था। और दूसरी बात यह कि चने सही थे, इतना कोई ज़्यादा उसको नहीं बोल सकते, एक बहुत अच्छे थे, सही थे। सफराबाद की हुई थी फिर ये रास्ते में यहाँ रुक के नाश्ता करवा दिया, पता नहीं क्यों। हर चीज़ को छोड़ो, यहाँ का जो मज़ा है ना खाने पीने का नहीं है, मौसम का है। पानी जो है ना यहाँ पर आप जो रेस्टोरेंट में पानी हो ना होटल में पानी हो वही पिया करें, क्योंकि मैं समझता हूँ नेस्ले का मिनरल या कोई भी एक्वाफिना मिनरल इसके सामने कुछ नहीं, जो यहाँ का इलाका ही पानी होता है वो बहुत ही जो है ना यही भी पानी होता है। ये है आबशार धनी। हाँ भाई आ गया आ गया। ये है सामने, व्यू चेक करो। ये आबशार कितनी ऊंचाई से जो है वो पानी गिर रहा है, देख रहे हो। तो ये खूबसूरती है जिसको हम चेक करने आए थे अभी। और नीचे कैसे उतरे, ये बैठक देखो कैसी बनी हुई है। जितना इसके करीब जा रहा हूँ ना उतना ज़्यादा जो है वो ठंडक सी महसूस हो रही है, पानी के जो है वो फुहार से आ रही है। ये किस तरह देखो उसको थ्री स्टेप में बनाया गया, एक ये फिर वो आगे बनाया। अब चेक करें अब कितना मज़ेदार लग रहा है। कैमरे से मैं बिल्कुल आपको ऐसा कवर करके दूंगा कि आप बोलोगे कि यार हम जैसे अपनी रियल आंखों से देख रहे हैं। सामने हरियाली भी देखो कितनी है, लेजेंड्स वो वाली हरियाली नहीं समझना। ये पानी ऊपर से साफ आ रहा है, नीचे गंदा कैसे हो रहा है। यार अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि पानी आ कहाँ से रहा होगा, कैसे आ रहा होगा, मतलब हमारी सोच पहुँच ही नहीं पाएगी उस तक। तो यार अल्लाह की कुदरत जो है ना वो बहुत वसी है, बहुत वसी, हम उसका उस तक सोच भी नहीं सकते। और अल्लाह पाक ने ये कुदरत हमें दी है लेकिन हमें इसकी मैं समझता हूँ उस तरह की कदर नहीं है। कि पहली बार मैंने कोई टूरिस्ट पॉइंट पर देखा है कि सामने बेंचेस लगे हुए हैं, वो उस तरफ जो है बेंचेस लगे हैं और अच्छे खासे बेंचेस हैं, तो आप मज़े से बैठ सकते हैं यहाँ पे, खाना वाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग बहुत कम रुकते हैं, बस 30 मिनट फोटोग्राफी करके वापस चले जाते हैं, इस चीज़ का कभी मज़ा नहीं लेते। और हमने भी ऐसे ही किया है शायद। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ और ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, सामने व्यू देखो कैसा है।
से भी ये बस खड़ी हो गई है, इसलिए थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा, लेकिन अभी बस नहीं थी तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। अच्छा, अभी नीलम वैले में एंट्री हो रही है। ये रहा नीलम वैले, वेलकम टू नीलम वैले। अभी एक वाटरफॉल पे आए हैं। वैसे तो ये दरिया नीलम है जो बह रहा है, लेकिन आगे एक पॉइंट है जिसको शायद कुटन बोलते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, वहाँ जाके पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो एक वाकया हुआ था ना, इसमें एक ग्रुप पूरा जो है वो पुल टूटने की वजह से पानी में चला गया था, सारे के सारे डेथ हो गई। वो यहीं पर हुआ था, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लोगों ने गरीबों का थाईलैंड बनाया हुआ है, ये देखे सामने किस तरह से लेटे हुए हैं। तो इनका थाईलैंड यही है, जो थाईलैंड में बीच पे नहीं लेटते हैं, तो ये चार पाई पे लेटे हुए हैं और बिल्कुल थाईलैंड वाली फीलिंग ले रहे हैं सस्ते में। ये गुब्बारे वालों को देखो, ये जो गुब्बारे वाले हैं ना, इनसे बच के रहना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये एक बार हो चुका है हमारे साथ, ये बोलेंगे आपको कि फर्स्ट फ्री है, फ्री है, फिर आप फर्स्ट लगाओगे बोला आप, फिर बोलेगा दूसरा भी फ्री है, फ्री है। इस तरह करते करते ना आपसे तीन चार लगवा के फिर बोले अब आपसे नहीं लगेगा ना निशाना चुका, तो कहेगा कि आपको अब 100 रुपये देने पड़ेंगे। फिर आप जो है निशान लगाते चुकता नहीं है, फिर बोलता अब नहीं चुका ना, अब अगर निशाना चुक गया ना आपका नहीं लगा तो आपको 200 देने पड़ेंगे। इस तरह करके ये 500 तक ले जाते हैं, और बंदा अपने पैसे बचाने के लिए मारता जाता है और उसके बिल बनता जाता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बचो। हम पानी की तरफ नीचे उतरते हैं। तो देख रहे हैं ना पानी, मैं जूते बचा बचा के ना गीले ना हो, बड़ी मुश्किलों से ये पजल खेल रहा हूँ। तो अल्लाह खैर करे, पाँव जमा जमा के चल रहा पहुँच जाओ बस। ये पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज है, इसमें अगर कोई जाएगा ना वो एक मिनट भी यहाँ नहीं ठहर सकेगा, सीधा गायब। की रफ्तार देख रहे, इतनी स्पीड से जा रहा है ये। मैंने अभी यहाँ किसी मकामी से पूछा तो बताया कि यार ये ग्लेशियर का पानी है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कुछ नहीं बता सकता, कोई ये बता ही नहीं सकता। अल्लाह की कुदरत देखे कैसे। और ये प्योर मीठा पानी है, मीठे से भी ज़्यादा मिनरल वाला पानी, इसको आप बेफिक्र होकर पी भी सकते हैं। पहाड़ का जो व्यू आ रहा है ना, इसके साथ मज़ा ही आ रहा है। यहाँ पे बैठ के बंदा जो है वो सिर्फ देखता रहे इसको, आपकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी और ये वाकई ठंडी होंगी, वो वाला ठंडी नहीं समझना इसको। ये जो पानी के शोर महसूस हो रहा है ना, ये ट्रैफिक के शोर से कई ज़्यादा बेहतर है। ये किस चीज़ की सीख होती है, ये किस चीज़ की सीख होती है? ये धुमची, धुमची नहीं, धुम्बा, धुम्बा है, धुम्बा, धुम्बा को ये देखो, ये सीख तैयार है, इसको टेस्ट करते हैं। नमकीन बहुत है। हाँ भाई तुम लग रही है, नमकीन टेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा इनसे। ये 50 रुपये में। ये एरिया जो है ना स्लाइडिंग का है, आप तो अभी देख रहे हो। केरल से शाहदा का रोड सारा कच्चा रोड है, बाकी रोड सही था। अच्छा, पूरी रोड टूटी हुई नहीं है। अच्छा, अभी अभी होटल पहुँचे हैं और इस टाइम पे हो रहे हैं 8 बज रहे हैं, 10-15 मिनट में हम होटल पहुँचे हुए, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। थोड़ा सा फ्रेश हुआ, थोड़ा बालों में मिट्टी वट्टी हटाइए, और इनकी सर्विस जो है मुझे थोड़ी सी, मैं इस बार मुतमईन नहीं हूँ कंपनी वालों की, तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने किस तरह का रूम दिया है। ये रूम दिया है जिसमें मोबाइल का एक सॉकेट, 2 सॉकेट है, और वॉशरूम की हालत थोड़ी सी बुरी है,
और उसमें पानी भी नहीं आ रहा। तो इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, पिछली दफ़ा ऐसा नहीं था। असल में ऐसा है कि लड़के, आप जब इनके साथ प्रोग्राम बनाओ ना तो आप लड़की ज़रूर ले आओ, बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपको वो फैसिलिटीज़ और वो जो है सर्विस नहीं दे पाती ये लोग। हमारी रोटियां बन रही है और ये साथ में कढ़ाई है आज के चलते, ये हमारी कढ़ाई बनी हुई है, ये हमारी कढ़ाई बनी हुई है जो है ना। हमारे रूम जो मिला है उसके बाहर एक चीज़ हमें बेनिफिट मिला हुआ कि उसको बिल्कुल ही आउटसाइड पे ये नज़ारे हैं, ये दरिया बहता हुआ जा रहा है, ये है नेक्स्ट लेवल। तो भाई डिनर कर लिया है और सही था, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की तरह, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल क्योंकि ये मस्ट है इस तरह के मौसम में, इस तरह के एनवायरनमेंट में और इस तरह की जगह पे चाय मस्ट है। चाय मस्ट है और जो माहौल बना हुआ है, अभी तो थोड़ा सा अंधेरा है, गई हल्की रोशनी होती सन्नाटा जैसा लगा हुआ है, ये होटल है हमारी। तो यार इसी के साथ साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और ये एपिसोड 3 था हमारा। तो कल फिर सुबह दोबारा मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। हाफिज़।